के स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट वी आर कंक्लूडिंग इट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो से व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हेन टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड. दिस वी कॉल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस and this process is called the fertilization. The flower bearing plants are called the angiosperms. Now the fertilization, in this chapter we are going to discuss the fertilization in these three different ways. First is the pre-fertilization, second is the double fertilization, and third is the post-fertilization. Okay, just see the structure of the flower. Now this green portion, that we call the stalk. This swollen green part where the petals of the flowers are arranged, that portion we call a thalamus. The green leaflets which come out from the thallus which support the flower, that we call the sepals. Okay, this colored flower part of flower, जो पंखड़ियाँ होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स. पेटल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोला भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था. और सेपल्स को हम क्या कहते हैं? कैलेक्स. अब ये हमने, मैंने बाई सेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है, एक रफ स्ट्रक्चर. इसमें सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पहला पार्ट है, दैट वी कॉल द स्टिग्मा. यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स डिपॉजिट होते हैं आके. दूसरा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम स्टाइल. और तीसरा, ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, दैट वी कॉल द ओवरी. ओके, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये क्या मिलके बनाते हैं? कार्पल. क्या मिलके बनाते हैं? ये कार्पल. अब मेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये जो फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. बाइलोब मतलब इसमें दो लोब्स होते हैं, ठीक है. तो ये जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट. और जो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एंथर. फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमन. एग्जांपल्स क्या हैं? मैंने आपको बताया था, इसके एग्जांपल्स हैं हिबिस्कस फ्लावर और रोज फ्लावर. रोज फ्लावर्स एंड हिबिस्कस फ्लावर आर द एग्जांपल्स. Now, the male reproductive part is called the androecium, which is a stamen. A stamen consists of anther and filaments. The female reproductive part is called the gynoecium. Gynoecium consists of stigma, style and ovary. We all called it carpel. Okay students, understood? So this is all about the structure of the flower. In my next video, I will discuss the structure of the male reproductive part of the flower. यानी कि मैं anther और filaments, यानी कि stamen के बारे में आपसे detail में discuss करूँगी. तब तक आप लोग structure of flower बनाने की कोशिश करिए, इनकी डेफिनेशंस को स्टडी करिए, इनकी डेफिनेशंस लिखिए. एंड आई एम सेंडिंग वन मोर वीडियो ऑल्सो, प्लीज़ जस्ट सी टू इट एंड लर्न द थिंग्स फ्रॉम इट ऑल्सो. ओके, सो होपफुली आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर टुडे. See you next again. Okay, take care.